फ्रेंड आज का जो अपना टॉपिक है ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। गवर्निंग सिस्टम के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग समझेंगे ईएसवी में ऑयल का क्या कैसे फंक्शनिंग होता है या हमारा एक्चुएटर में ऑयल का फंक्शनिंग क्या होता है, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे गवर्निंग सिस्टम के लिए। इस वीडियो में हम लोग केवल लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे ऑयल का सर्कुलेशन होता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए यह जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यह क्या है, हमारा टर्बाइन है, यह हमारा गियर बॉक्स है, ये जनरेटर, और जनरेटर सबसे ही हमारा कनेक्ट होता है एक्साइटर, ठीक है। तो क्या होता है कि टर्बाइन जो है हमारा रोटेट करता है, और टर्बाइन का जो शाफ्ट होता है बहुत ही ज्यादा हेवी होता है, इसकी वजह से हम लोग टर्बाइन को इजिली स्मूथ रोटेट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेयरिंग पे सपोर्ट करते हैं। दोनों साइड हमारा बेयरिंग सपोर्टेड होता है, वैसे ही हमारा जनरेटर भी बेयरिंग सपोर्टेड होता है। तो देखिए टर्बाइन का शाफ्ट जो है और बियरिंग के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, ठीक है, स्टैंड बाई कंडीशन में। तो अगर उस कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट टर्बाइन का रोटेट करवाएंगे, टर्बाइन को रोटेट करवाएंगे, तो शाफ्ट क्या करेगा, इस बियरिंग मटेरियल को डैमेज कर देगा, घिस देगा, ड्यू टू फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, बर्नआउट कर देगा, उसको मतलब डैमेज कर देगा, बियरिंग हमारा क्या होगा, डैमेज होगा। तो इसको बर्न आउट ना करे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बियरिंग और शाफ्ट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं लाएंगे, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यानी यह जो बियरिंग है और शाफ्ट के बीच में यह जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा वहां पर हम लोग एक ऑयल फिल्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक पंप से वहां पर ऑयल भेजते हैं जिससे वहां पर एक ऑयल का फिल्म हो जाता है, जिसके चलते हमारा शाफ्ट और बियरिंग का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जिससे हमारा टर्बाइन का शाफ्ट है वो स्मूथली रोटेट कर देगा, जिससे हमारा बहुत ही लॉन्ग लाइफ तक बियरिंग जो है वो चलेगा। अगर ऑयल फिल्म नहीं रहेगा तो मतलब बहुत ही जल्दी उसका डैमेज होगा, एकदम विद इन सेकेंड उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि यह जो टर्बाइन है बहुत ही फास्ट, इसका रोटेशन बहुत ही ज़्यादा हाई आरपीएम होता है, और यह जो हैवी वेट होता है जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी बर्नआउट कर देगा, एकदम क्विकली कर देगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज़ पता चल गया है, लुब्रिकेशन सिस्टम का फंक्शन क्या हो गया कि एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और दूसरा क्या होगा कि जो भी बियरिंग के अंदर हीट है उसको डिसिपेट करना, यानी बियरिंग को कूल रखना भी इसी का फंक्शन होता है। एक्चुअली होता कैसे है, देखिए स्टीम हमारा टर्बाइन में इन करता है जिसके वजह से उसका हायर टेम्परेचर होने की वजह से हमारा ब्लेड भी गर्म हो जाता है और शाफ्ट भी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यह जो शाफ्ट है हमारा, जानते हैं कि बियरिंग पे सपोर्टेड होता है, तो बियरिंग को भी अपना शाफ्ट जो है हीट को डिसिपेट करता है, तो बियरिंग भी हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो उस बियरिंग के हीट को क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ऑयल जो है कूल ऑयल प्रोवाइड करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, तो हमारा ऑयल जो है जो भी हीट है बियरिंग का या यहाँ पे उसको क्या करेगा, डिसिपेट कर देगा, और डिसिपेट करके हम लोग जो रिटर्निंग ऑयल है, जब यानी कोल्ड ऑयल जो है हम लोग इन करवाएंगे और हॉट ऑयल को हम लोग क्या करेंगे, एमओटी टैंक में फिर से वापस प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया हमारा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, दूसरा फंक्शन हमारा हो गया कूल डाउन करना, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, कूल के साथ साथ जब भी अगर ऑयल आउट होता है कूल करने के बाद, तो अगर कोई भी डेब्रिस वगैरह है, मेटेलिक डेब्रिस या कोई भी मतलब आयरन पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी अगर प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको भी साथ में फ्लश आउट कर देगा, मतलब कोई भी डेब्रिस पार्टिकल को वो फ्लश आउट कर देगा। तो इसका मेन तीन पर्पस यही होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का। तो यह कैसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यह क्या है हमारा MOT, यानी इसको बोलते हैं मेन ऑयल टैंक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी ऑयल है सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में यहीं पे रहता है, यानी जितने भी हमको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑयल का जरूरत पड़ेगा वो हमारा इसी टैंक में पहले अवेलेबल होगा, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक पंप की मदद से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा एमओटी टैंक के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए यह क्या हमारा एमओटी टैंक है, और एमओटी टैंक का जब कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो देखिए यह स्लाइटली हमारा स्लोप में रहता है। तो यह स्लोप में क्यों प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए कोई भी, जैसा कि मैं बोला कि या कोई भी डेब्रिस वगैरह पार्टिकल्स को क्या करेगा, फ्लश आउट करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सेडिमेंट्स वगैरह आ गया ऑयल के अंदर, तो क्या करेगा, सेडिमेंट्स का डेंसिटी हायर होता है जिसके वजह से वो क्या करेगा, बॉटम में सिंक हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से स्लोप कर देंगे तो हमारा मेन प्रोबेबिलिटी होता है कि हमारा जो सेडिमेंट्स वगैरह है इस कॉर्नर में आके मतलब डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए लिखे हैं, ये जो सिस्टम है यहाँ से डाउन में दिखाए हैं,
ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट, यानी जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूज वगैरह होता है वो क्या करता है, ऑयल को प्यूरिफाई करता है। बहुत सारा सिस्टम है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑयल प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है वो हमारा ऑयल से यहाँ पे आता है प्यूरिफिकेशन यूनिट में, और यहाँ से फिर से प्यूरिफाई होके हमारा यहाँ से रिटर्न होके फिर से टैंक में इसको भेज देते हैं। तो जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है, जो भी इम्प्यूरिटीज है, उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी है उसको क्या करेगा, या सेंट्रीफ्यूज या ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट के द्वारा हम लोग प्यूरिफाई करके फिर से हम लोग फ्रेश ऑयल जो है, मतलब क्लीन ऑयल, उसको हम लोग फिर से टैंक में दे देंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो भी इम्प्यूरिटीज है वो हमारा फ्लश आउट हो गया, पूरा रिमूव हो गया। तो ये इसका एक प्रोवाइड दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्मोक में देते हैं कि जो भी सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह क्या है, हमारा हीटर है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हमारा टरबाइन बंद रहता है उस समय अगर एमओटी टैंक का अगर टेम्परेचर की विवाद किया जाए तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कम होने की वजह से यह जो हमारा जो ऑयल है उसका विस्कोसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब वो फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको फ्लोलिटी लाने के लिए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि इसका विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग को मिनिमम 45 डिग्री टेम्परेचर इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहता है, तो फ्लोलिटी लाने के लिए, ऑयल का फ्लोलिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हीटर प्रोवाइड करते हैं। हीटर से हम लोग ऑयल टैंक, ये टैंक के अंदर ही हीटर होता है, तो ऑयल को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं और उसका टेम्परेचर हम लोग को डिजायर्ड लाते हैं। जब हमारा टर्बाइन ऑपरेशन में आ जाए, जब हमारा सर्कुलेट होने लगा खुद ही, जब हीट को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा ये हीटर जो है स्टॉप में रहता है। तो यह केवल इनिशियली स्टार्टअप के समय में हमको ऑयल का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमको डिजायर्ड 45 डिग्री टेम्परेचर रखना है, उतना लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखिए ऑयल प्रॉपर्टी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत ही डिटेल से जितने भी प्रॉपर्टी उसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह क्या है, हमारा ऑयल फिलिंग, यानी जब भी ऑयल टैंक से हमारा मेन ऑयल टैंक से ऑयल का लेवल कम हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिल करने के रिफिलिंग का हम लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवीई फैन, यानी ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन, ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन। अगर ऑयल के अंदर हीट होने के बाद कोई भी, जैसे हमारा वाटर क्या होगा, वेपर फॉर्म में आ गया, या कोई भी ऑयल के अंदर वेपर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक हम लोग फैन लगाते हैं जो कि इसको मोटराइज रहता है। इसको जब ये चालू होगा, ऑयल ओवीई जब चालू होगा, तो जो भी इसके अंदर वेपर्स वगैरह हैं उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके एटमोसफियर में रिलीज आउट कर देगा। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है। और यहाँ पे देखिए टैंक का लेवल को शो करने के लिए हम लोग लेवल ग्लास लगा रहता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर देंगे कि हमारा कितना अभी ऑयल टैंक का लेवल है, एमओटी का लेवल अभी क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग साइट से देखना है तो हम लोग वहाँ पे साइट पे जाके ये देख लेते हैं। और इसको हम लोग डिशेस से भी एक कनेक्ट कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट का एक डिवाइस जो है, डायरेक्ट हम लोग डिशेस में भी इसका लेवल ट्रांसमीटर से देख लेते हैं कि अभी हमारा एमओटी का लेवल क्या है। तो ये हो गया हमारा एमओटी के बारे में। अब देख लीजिए एमओटी से अब हमारा ऑयल यहाँ पे प्यूरिफाइड है, प्यूरिफाइड ऑयल यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पंप से हम लोग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे जितने भी सारे पंप लगे हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यह जो है हमारा पंप है जिसमें एक हमारा एओपी है यानी ऑक्सिलरी ऑयल पंप है, एक हमारा एमओपी है यानी मेन ऑयल पंप है, एक हमारा इमरजेंसी ऑयल पंप यानी ईओपी है, और एक पंप और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जेओपी यानी जैकिंग ऑयल पंप। इसका कब यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका पंप का काम क्या होता है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप का, कि यहां से टैंक से ऑयल सक करेगा, और इस लाइन से देखिए यहां से आप देखिएगा सबसे पहले हमारा आता है कूलर में, लूब ऑयल कूलर में, और कूलर से आके हमारा फिल्टर में जाता है। फिल्टर में जाने के बाद यह क्या है, हमारा लूब ऑयल हेडर है, और हेडर से फिर हमारा पार्टिकुलरली जितने भी बियरिंग्स है उसमें हमारा यह रेड कलर वाला जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा बियरिंग में जाता है। यह रेड कलर वाला हमारा क्या होता है, सारा बियरिंग में प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए। तो यह जो आपको बियरिंग दिख रहा है यह क्या है, हमारा थ्रस्ट बियरिंग है, और हम लोग जानते हैं थ्रस्ट बियरिंग क्या करता है, जो एक्सियल शिफ्ट है उसको प्रिवेंट करता है, एक्सियल लोड को एब्जॉर्ब करता है। और यह जो है हमारा क्या है, जनरल बियरिंग है, जितने भी है जनरल बियरिंग, इसका फंक्शन क्या होता है, जो रेडियल लोड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। तो देखिए हमारा, देखिए प्रेशर की बात नहीं करेंगे कि कितना प्रेशर होता है, क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग हर जगह हमारा अलग अलग प्रेशर प्रोवाइड होता है, अलग अलग रहता है, लेकिन मेरे यहाँ जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे और यह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए एओपी से हमारा ऑयल सक करेगा तो एक हाई प्रेशर से हमारा एओपी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यह हमारा हेडर होता है।
ठीक है, तो यहां से मान लीजिए हमारा कहीं कहीं होता है कि जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल का प्रेशर है, जैसे मान लीजिए 4 kg 5 kg प्रोवाइड करने के लिए प्रेशर यहाँ पे 4 kg प्रेशर प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं क्या होता है कि हम इसी पंप से एओपी एमओपी से ही हम लोग क्या करते हैं गवर्निंग सिस्टम के लिए भी डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं, यानी 8 से 10 kg अगर मान लीजिए 10 kg कंट्रोलिंग है गवर्निंग सिस्टम, तो डायरेक्ट हम लोग एओपी का प्रेशर जो है 10 kg प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक लाइन हमारा इधर चला जाएगा गवर्निंग सिस्टम में, जो कि हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बात करेंगे। या कभी कभी क्या होता है अगर मान लीजिए इसका 4 kg प्रेशर है, ठीक है, केवल लुब्रिकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और पंप का यूज करते हैं, इधर मैं दिखा दे रहा हूं एक पंप जिसको हम लोग बोलेंगे ACOP यानी कंट्रोल ऑयल पंप, यानी यह क्या है ऑक्सिलरी कंट्रोल ऑयल पंप है। इसी से क्या करेगा टैपिंग करके यहाँ पे फिर से गवर्निंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। तो अभी हम लोग मान के ये चलते हैं कि हमारा जो ऑयल का जो प्रेशर है वो हमारा कंट्रोल ऑयल प्रेशर के लिए भी एलिजिबल है, यानी 8 kg ऑयल है, तो वैसे ही हमारा एमओपी जो है अगर इलेक्ट्रिक ड्राइवर ड्रिवन है, यानी देखिए हमारा जो एमओपी पंप है वो दो तरह से ड्रिवन हो सकता है, एक तो हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिवन है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, और एक होता है हमारा मैकेनिकली ड्रिवन। तो मैकेनिकली ड्रिवन आपको कहाँ दिखेगा, तो हमारा ये टर्बाइन का जो शाफ्ट है, यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे हमारा क्या होता है या एमओपी को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब हमारा टर्बाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा एमओपी भी क्या करेगा रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एमओटी टैंक से एक सक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ऑयल को क्या करेगा सक करेगा। तो यह जो एमओपी है जो मैकेनिकली ड्रिवन होगा तो कब काम करेगा, जब हमारा टर्बाइन रनिंग होगा तभी यह काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पावर का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जो टर्बाइन का जो शाफ्ट है उसी के रोटेशन से वो क्या करेगा ऑयल का सक्शन प्रोवाइड कर लेगा। तो यह जो होता है बहुत ही ज्यादा सेफ होता है और बहुत ही रिलायबल होता है, इसमें कॉस्टिंग बहुत कम होता है, तो मोस्टली ये वाला जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, अगर यह नहीं हुआ तो आपको मोटर ड्रिवन होगा। ठीक है, हमारा एमओपी जो है दो ड्रिवन होगा, एक मैकेनिकली ड्रिवन होगा, एक हमारा एमओपी जो है इलेक्ट्रिक ड्रिवन होगा। तो इसके बारे में भी इसका फंक्शनिंग जो है सेम ही होता है, तो एमओपी हुआ या एओपी हुआ दोनों का प्रेशर कितना होगा, जितना हमको मान लीजिए 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारा इधर आया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो हमारा गवर्निंग सिस्टम के लिए और एक हमारा इधर चला जाएगा लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा कहाँ पे, यहाँ पे हमारा है लूब ऑयल कूलर्स। तो लूब ऑयल कूलर्स का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी ऑयल है लूब ऑयल है उसको क्या करेगा कूल करेगा, क्योंकि हम बात किए थे कि यहाँ पे क्या होगा हीट डिसिपेट करने से उसका ऑयल का टेम्परेचर क्या होगा गर्म हो जाता है, यहाँ से कूल हो जाता है, यहाँ से ऑयल जो आता है वो आउटलेट जो होता है वो हॉट ऑयल आता है। तो हॉट ऑयल को यहाँ से जब हम लोग सर्कुलेट कराते हैं तो सबसे पहले हमको कूलर में ले जाना पड़ता है, यानी उसका टेम्परेचर फिर से डिजायर्ड लाना पड़ेगा 45 डिग्री टेम्परेचर तक, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कूलर का यूज करते हैं। तो देखिए यह जो कूलर की अगर बात किया जाए, यह जो राउंड कलर का आपको दिख रहा है यह सर्किल टाइप का, यह मैंने कूलर का डिजाइन किया है। यहाँ पे देखिए दो पार्ट में जाता है, एक हमारा फर्स्ट कूलर में चला जाएगा, यह हमारा फर्स्ट कूलर है और यह क्या हमारा सेकेंड कूलर है। तो यह जो कूलर का जो डिजाइनिंग होता है वो ऐसा बनाया जाता है कि हमको एक पार्ट में अगर लाइन में लेंगे तो जितना ऑयल है उसको यह क्या करेगा इजीली ठंडा कर दे। ठीक है, यानी 100% ऑयल का कूलिंग करने के लिए हमारा एक ऑयल सफिशियंट होता है, ऑयल कूलर सफिशियंट होता है। अगर इसमें कभी अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई काम करना है तो फिर हम लोग सेकेंड ऑयल कूलर को लाइन ले लेते हैं, यह ऑनलाइन इंटरचेंजेबल होता है, ऑनलाइन हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जो हमारा लू ऑयल कूलर है यह क्या है सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, जिसके अंदर हम लोग ऑयल का हीट को क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर हम लोग कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो ACW यानी ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर से हम लोग कूलर के अंदर क्या करेंगे वाटर प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ से हमारा वाटर इधर से सर्कुलेट होके हमारा एक तरफ से इन होगा एक तरफ से आउट होगा। तो क्या होगा यहाँ से कोल्ड वाटर इन कर रहा है, यहाँ से हमारा हॉट ऑयल जो है इन करेगा। ठीक है, तो हॉट इन करेगा इधर से कोल्ड वाटर, दोनों क्या करेगा इंटरचेंज होगा, मतलब हीट को क्या करेगा एक्सचेंज करेगा, क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है तो हीट का एक्सचेंज करेगा। तो यह जो सेल एंड ट्यूब टाइप जैसे मैंने बात किया, तो सेल के अंदर बहुत सारा ट्यूब होता है और उस ट्यूब में हमारा यह जो वाटर है सर्कुलेट करता है, और ट्यूब के चारों तरफ हमारा क्या होता है ऑयल होता है, तो जिसके चलते हमारा ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यहाँ पे हमको लोअर टेम्परेचर मिलेगा, जैसे इस सेक्शन का 1 नंबर का ले रहे हैं तो यहाँ पे डाउन मिलेगा लोअर मिलेगा, यहाँ पे हमारा ऑयल पहले क्या था हायर था। और टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो एक तरफ हमारा ऑयल का जो वाटर का टेम्परेचर एक तरफ
कोल्ड रहेगा और दूसरी तरफ हमारा हॉट मिल जाएगा, उसको फिर से हम लोग कूलिंग टॉवर में रिसर्कुलेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अभी हमारा कभी भी जो कूलर है हमारा एक लाइन में लेते हैं और कभी भी हम लोग अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा टेम्परेचर जो है डिजायर टेम्परेचर हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, हमारा जो भी डिजायर टेम्परेचर यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिल्टर लगे होते हैं। यह क्या है, हमारा लूब ऑयल फिल्टर है। तो इसका पर्पस क्या होता है, जैसे फिल्टर नाम से ही पता चल गया, फिल्टर करना, यानी कोई भी अगर मान लीजिए डेब्रिस इंप्यूरिटीज कुछ भी है ऑयल के अंदर, वो यहाँ पे क्या होगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिल्टर क्या करेगा अपने अंदर पास आउट नहीं होने देगा। तो फिल्टर की अगर साइज की बात किया जाए तो इसका साइज बहुत ही मतलब कम होता है, 20 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन का साइज होता है। तो इतना साइज से अगर छोटा पार्टिकल वही निकल सकता है, इससे बड़ा साइज का पार्टिकल को क्या करेगा, ये अंदर अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर के पास में एक यहाँ पे लगा है, एक सक्शन से लेकर मैंने डिस्चार्ज में दिखाया है यहाँ से देखिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीपी, यानी डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करेगा। अगर मान लीजिए इस ईयर डीपी क्या करेगा, दोनों में लगाया रहता है, इसका भी सेम पॉसिबिलिटीज वैसे ही है, ये भी वन नंबर हो गया, ये टू नंबर हो गया, ये भी 100% एक ही बार में चलता है, एक तरफ से ही हमारा चलेगा। मान लीजिए एक नंबर लिए हैं तो इधर से हमारा फिल्टर होगा। इसका भी जो कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो ये ऐसे जैसे हमारा कूलर बना रहता है, ये भी 100% ऑयल को क्या करेगा, एक फिल्टर कर सकता है। अगर मान लीजिए यह चौक हो गया तो हम लोग दूसरा को ऑनलाइन चेंजेबल करके चेंज ओवर ले सकते हैं और हम दूसरे को लाइन मिलेंगे और इसको फिर से आप लोग जो भी है उसका क्लीन कर लीजिए फिल्टर। तो देखिए यह डीपी की अगर बात किया जाए तो डिफरेंशियल प्रेशर का मेन पर्पस क्या होता है कि सक्शन में ऑयल का प्रेशर कितना है और हमारा डिस्चार्ज में ऑयल का प्रेशर कितना है, उसका डिफरेंस को बताते हैं हमारा डिफरेंशियल प्रेशर। अगर यह डिफरेंशियल प्रेशर अगर आपका बढ़ेगा तो नॉर्मली हम लोग 0.6 या 0.7 या 0.8 तक जैसे आता है, मैक्सिमम 0.8 तक आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यह समझ जाते हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो पूरा चौक हो गया है, यानी 25 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल वहाँ पे ट्रैप हो गया है, इसलिए उसको हम लोग फिर से उसको फिल्टर को साफ करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो हम चेंज ओवर लेते हैं और उस जो भी अगर जाम है उसको हम लोग क्लियर करके फिर से उसको हम लोग रेडी करके रख देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, एडजस्टेबल ऑरिफिस। तो इसका पर्पस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 केजी जैसे दिखाया, तो आप बोलेंगे कि लुब्रिकेशन के लिए इतना तो ऑयल का जरूरत, प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही कम हेडर में जो है हम लोग 4 केजी 3.5 केजी प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो हमारा 10 केजी प्रेशर है, इस एडजस्टेबल ओरिफिस से हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे, कंट्रोल करते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, ये जब हम लोग का स्टार्टिंग होता है उसी समय हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग कभी भी टर्बाइन का ऑपरेशन करेंगे तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो डिजायर्ड जैसे यहाँ पे जितना है 10 केजी है, तो यहाँ से जो आउटलेट होगा ऑटोमेटिक हेडर में जब जाएगा, ये मान लीजिए हेडर है, लूब ऑयल हेडर, तो लूब ऑयल हेडर मतलब जितने भी हम लोग कोई भी पंप चालू करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑयल आता है। तो यहाँ पे अगर ऑयल के प्रेशर की बात किया जाए तो 4 kg/cm² हम लोग को मिल जाता है। तो अब हमारा ऑयल जो है यहाँ से अब समझ में आ गया कि हमारा जैसे एओपी चला या एमओपी चला, वो हमारा इस हेडर से कूलर से होते हुए ठंडा हुआ पहले, उसके बाद फिल्टर हुआ, उसके बाद हमारा एडजस्टेबल और फिस के द्वारा हमारा ये हेडर में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हेडर में आने के बाद क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या पर्पस होता है कि यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हूं मैंने, ओवर हेड टैंक, ठीक है। ओवरहेड टैंक एक हमारा टरबाइन का सेफ्टी प्रिकॉशन से आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस है। इसका पर्पस क्या होता है कि यह जो 20 से 25 मिनट तक का टरबाइन को ऑयल प्रोवाइड करने के लिए एक टैंक बना देते हैं बहुत ही हाइट पे, जहां पे हम लोग इतना कैपेसिटी के बनाते हैं जो कि ऑयल जो है 20 से 25 मिनट हम लोग को इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे हमारा कोई भी पंप फेल हो गया, सारा पंप फेल हो गया, उस कंडीशन में हमारा इस ऑयल का यूज करते हैं लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जब हमारा टर्बाइन ट्रिप हो गया, कॉस्टिंग डाउन में आया है, उस समय हम लोग इसी टैंक से हम लोग ऑयल को यूज करते हैं। तो कैसे होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल जो इधर आया और सबसे पहले हमारा ऑयल क्या करता है, देखिए सभी में जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसका बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा ऑयल आता है इस लाइन में, तो यह क्या करते हैं हम लोग यहीं से इस हेडर से, यानी लूब ऑयल हेडर से ही हम लोग क्या करेंगे, इस टैंक में ऑयल को प्रोवाइड करेंगे, यानी जो कूलर या फिल्टर्ड ऑयल है जो हमारा यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यह आपको एक वाल्व दिख रहा होगा, यह हमारा है क्विक फिलिंग वाल्व। तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा जो टैंक है वो पूरा खाली होता है, तो उसको भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाल्व को जब खोलेंगे तो यहाँ से हमको एक पैसेज मिल जाएगा,
ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा मतलब इसका डाया ज्यादा होता है, तो इसको इसीलिए क्विक फिलिंग वाल्व बोलेंगे, मतलब ज्यादा अमाउंट में ऑयल हमारा इधर जाएगा, टैंक में जाएगा। तो जब यह टैंक हमारा भर जाएगा तो ये इस टैंक को लेवल चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, या इसका जो फीडबैक एक आता है, इंस्ट्रूमेंट का भी कनेक्शन होता है जो कि डीसीएस में, तो इसका नहीं दिखाता है, ओवरहेड टैंक का भी मतलब दिखा भी सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लो लेवल का एक स्विच लगाते हैं, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है कि जब इसका लेवल लो हो जाएगा उसको स्विच आराम आएगा तो उसे आपको पता चलेगा। तो अगर ये आपका टैंक नहीं भरा रहेगा तो इसको इंटरलॉक रहता है, इसको टैंक को आपको भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या होगा मतलब रोटेट नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग लाइन में नहीं ले सकते हैं, सिंक्रोन नहीं कर, मतलब रोलिंग नहीं कर पाएंगे, इसको टैंक को भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर इनिशियली आपको भरना है तो यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारा ये ऑयल टैंक भर गया तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हमारा ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो देखिए इस लाइन से, यह क्या है हमारा एक ओरिफिस है, तो यह जो है पतला लाइन होता है, इसके कंपेयर में यह पतला लाइन होता है, यहाँ से हमारा कंटिन्यू ऑयल जो है चलता रहता है, और यहाँ से हमारा क्या है ओवरफ्लो सिस्टम है, यह क्या है हमारा ओवरफ्लो सिस्टम, और यहाँ से हमारा फिर से यह रिटर्निंग हमारा टैंक में आ जाता है। तो ओवरफ्लो हो रहा है हमारा मतलब कि इसके अंदर जो यहाँ से आएगा ऐसे करके हमारा ओवरफ्लो होके एमओटी टैंक में आएगा। तो ओवरफ्लो को चेक करने के लिए यहाँ पे एक साइड ग्लास लगा है जहाँ पे हम लोग विजुअली देखते हैं कि इसमें ऑयल आ रहा है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा ऑयल रिटर्निंग हो रहा है। तो यह जो है हमारा सर्कुलेशन कंटिन्यू होना चाहिए, जब हमारा ऑयल इस लेवल तक जाएगा तभी हमारा ये ओवरफ्लो होके हमारा रिटर्निंग आता है, ठीक है। तो यह एक वेंट आउट का प्रोविजन दिया रहता है, तो इसका बेसिक फंक्शन ये हो गया। ये इसमें ये जो दिख रहा है आपको एनआरवी, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जब आपका कोई भी पंप फेल हो गया तो उस कंडीशन में ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो हाइट पे है और उसके बाद उसका कुछ डेंसिटी होने की वजह से यह जो है, अब तो हम इधर से कोई प्रेशर नहीं जा रहा क्योंकि सारा पंप बंद है, एओपी एमओपी ईओपी कोई भी पंप नहीं चालू होना चाहिए, तभी यह जो है रिसर्कुलेट बैक आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह जो इधर जा रहा था और फिर से यहां से रिटर्न होने लगेगा, और रिटर्न होके इस लाइन से यह क्या है हमारा एनआरवी लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा है, यानी ऑयल हमारा इधर से नहीं जाएगा, जब भी आएगा तो इधर से ही आएगा और फिर ये इधर से आके हमारा इस लाइन में आता है और जो भी हमारा बेयरिंग को इधर जो देना है प्रोवाइड करना है वो देता है। तो इसका ओवरहेड टैंक का फंक्शन मुझे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यह कब काम आता है, जब इस लाइन में कोई प्रेशर ना हो, यानी कोई पंप ना चालू हो, तभी हमारा यह जो है रिटर्निंग आता है। और लुब्रिकेशन इसका जो कैपेसिटी होता है 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसका कैपेसिटी होता है कि यह लुब्रिकेशन टर्बाइन को प्रोवाइड कर देगा। इसका यह बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मतलब डिवाइस है, यह बहुत अच्छा ही मतलब है। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे क्या किए, हम मान लीजिए एओपी या एमओपी का जो मैंने डिस्चार्ज यहाँ पे दिखाया वो यहाँ पे आ गया, एडजस्टेबल ऑरिफिस हमारा यहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो गया, उसके बाद हमारा क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एडजस्टेबल ऑरिफिस लेते हैं कि हमको कौन सा बियरिंग में कितना ऑयल का प्रेशर स्टार्टिंग में होता है, जब हम लोग कमिश्निंग करते हैं उसी समय हम लोग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा एडजस्टेबल ऑरिफिस होता है, जैसे हमारा फ्रंट साइड या रियर साइड में कितना 2 kg देना है, यहाँ पे हमारा जो गियर बॉक्स है उसमें कम प्रेशर का जरूरत पड़ता है 1 kg, तो उस या 2 kg जितना भी जरूरत है यहाँ पे भी एडजस्टेबल ओरिफिस होता है, जब स्टार्टिंग कमिश्निंग करते हैं उसी समय उस सबको एडजस्ट सेट कर देते हैं, बाद में जरूरत नहीं पड़ता है उस सब चीज़ का, बस आपको बाद में क्या करना है पंप चालू करना है, वो ऑटोमेटिक जितना प्रेशर उसको चाहिए जितना सेट है उतना वो जाते रहेगा इसके इस लाइन के द्वारा। तो यहाँ पे चला गया तो हमारा जो ऑयल है, एक तो हमारा ये जो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग है वहाँ पे जाएगा, हमारा टर्बाइन के दोनों तरफ क्या जनरल बेयरिंग होता है यहाँ पे जाएगा, हमारा यह जो गियर बॉक्स है यहाँ पे जाएगा, हमारा जनरेटर का फ्रंट और रियर साइड में हमारा जो जनरल बेयरिंग है वहाँ पे जाएगा, और जाके लुब्रिकेंट करके जो भी हीट है, जो भी सेडिमेंट्स वगैरह, जो भी आयरन मटेरियल्स है, जो भी मतलब बड़े पार्टिकल्स है, उसको क्या करेगा फ्लश आउट करके हमारा यह टैंक में वापस कर देगा। ये हम लोग समझ लिए ऑक्सिलरी ऑयल पंप और मेन ऑयल पंप का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है टैंक से ऑयल सक करता है और जितना प्रेशर का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर हेडर में प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए 4 kg का है तो 4 kg यहाँ पे डेवलप करेगा, और जब 4 kg होगा तो उसको गवर्निंग सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग लगाते हैं एक ACOP यानी ऑक्सिलरी कंट्रोल ऑयल पंप लगाते हैं, जिससे वो उसका प्रेशर जो है यहाँ से सक करके ज़्यादा प्रेशर में प्रोवाइड करेगा, जितना भी डिजायर्ड प्रेशर है उतना प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए इसका प्रेशर 10-12 kg यानी हमारा गवर्निंग प्रेशर के बराबर है तो डायरेक्ट हमारा एक लाइन इधर चला जाएगा और दूसरा हमारा इधर आ जाता है कूलर में, जिस कूलर से भी जाना है जाएगा और हमारा फिल्टर होके हमारा यह
डाइजेस्टेबल ओरिफिस से क्या करेगा, अगर मान लीजिए 10 केजी है तो इसको 4 केजी में कन्वर्ट करके ये लूब ऑयल हेडर में आ जाएगा। लूब ऑयल हेडर से हमारा एक टैंक में चला जाएगा, उसके बाद हमारा ये जितने भी बेयरिंग्स है, जैसे कि हमारा यह क्या है थ्रस्ट बेयरिंग है तो थ्रस्ट बेयरिंग में जाएगा, और टर्बाइन के दोनों तरफ क्या होता है जनरल बेयरिंग होता है तो जनरल बेयरिंग में जाएगा, गेयरबॉक्स में जाएगा, हमारा जनरेटर के दोनों तरफ हमारा जो जनरल बेयरिंग है वहां पे जाएगा, और जाने के बाद जो भी बेयरिंग को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद क्या करेगा जो भी बेयरिंग को कूल करेगा और मेटेलिक डेब्रिस को भी क्या करेगा फ्लैश आउट करके हमारा टैंक में देगा, और यहाँ से जो प्रिवेंशन के बारे में तो समझ गए। और उसके बाद हमारा तीसरा जो पंप है वो क्या है ईओपी यानी इमरजेंसी ऑयल पंप। तो इस पंप का यूज कब करते हैं, जब हमारा ये दोनों पंप फेल हो गया, मतलब हमारा मतलब कोई भी लाइटिंग का मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, पावर इलेक्ट्रिक पावर का अवेलेबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन में हमारा जो है ईओपी वर्क करता है। तो ईओपी का आप देखेंगे सक्शन यहाँ से होता है, यह जो होता है हमारा डीसी ड्राइव होता है, मतलब डीसी करंट से यह ड्राइव होता है, इलेक्ट्रिक ड्रिवन होता है लेकिन डीसी पावर से यह चलता है, तो डायरेक्ट करंट से मतलब बैटरी वगैरह से चलेगा। तो ये यहाँ से क्या होगा ऑयल हमारा सक करेगा, और देखिए इसका जो हेडर है हम लोग डायरेक्ट लूब ऑयल का हेडर में कनेक्ट किए हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उठ के क्या गया है लूब ऑयल हेडर में गया है, यानी इसका जो प्रेशर होता है जितना लूब ऑयल के लिए चाहिए 3 केजी 4 केजी वो डायरेक्ट यह प्रेशर यूपी लो कैपेसिटी का पंप होता है, इसीलिए हम लोग इसका जो है इस बार कूलर या फिल्टर वगैरह में नहीं ले जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग हेडर में ले जाते हैं, और हेडर से फिर हमारा जो है इधर ऑयल जाएगा और जो उसका काम लुब्रिकेशन का काम है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो यह कब होता है, जब हमारा टर्बाइन ट्रिप हो जाता है और हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक पावर जो है अवेलेबिलिटी नहीं होता है, उस कंडीशन में हम लोग डीसी पावर जो होता है जो बैटरी होता है उससे हम लोग इसको ड्रिवन करते हैं। यह ऑटो में होता है, जैसे ये दोनों फेल होगा वैसे ही ईओपी हमारा चालू हो जाएगा और यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड। अगर मान लीजिए इनकेस हमारा ये तीनों पंप फेल हो गया, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है यह जो है ओवरहेड टैंक से जो रिटर्निंग होगा नॉन रिटर्न वाल्व से इधर, और ये प्रोवाइड करेगा 20 से 30 मिनट इसको सेव कर सकता है। तो यह हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा एक और पंप दिख रहा है जिसका हम बात किए थे जेओपी, यहां से हमारा सक्शन एक लिया है और एक हमारा लिया है यहां से सक्शन, यानी फिल्टर के आउटलेट से सक्शन, या दो जगह से सक्शन ले सकता है, या तो हमारा टैंक से ले सकता है या हमारा ये जो फिल्टर के आउटलेट से सक्शन लेके, इसका बोलते हैं जेओपी यानी जैकिंग ऑयल पंप। तो जैकिंग ऑयल पंप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैक करना, कोई भी चीज को उठाना, जैसे हम लोग कोई गाड़ी को टायर पंचर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं जैक कर देते हैं, मतलब एक तरफ से उठा देते हैं उसको, तो वही इसका फंक्शन होता है जैकिंग ऑयल पंप का। तो इस पंप का जो अगर प्रेशर की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है, अबव 100 केजी प्रेशर रखते हैं, ये डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा, कहीं 150 होता है कहीं 85 होता है, तो मैं इसमें प्रेशर की बात नहीं करूंगा, ये समझ लीजिए कि आप 100 केजी प्लस ही इसका प्रेशर होता है। और यह जो है ऑयल का प्रेशर, यहां से हम लोग या तो ऑयल सक कर लेंगे या हमारा कोई भी अगर पंप एओपी एमओपी अगर चालू रहेगा तो यहां से क्या करेगा ये सक्शन प्रोवाइड करेगा, इसके डिस्चार्ज से जो भी प्रेशर है यहां सक करके, और हम क्या करेंगे जो भी बियरिंग्स है यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा टर्बाइन का जो शाफ्ट है उसको क्या करेगा थोड़ा सा स्लाइटली उठाए रहेगा, मतलब जैक किए रहेगा। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका जो वेट है सेल्फ वेट बहुत ही ज्यादा होता है, हेवी वेट होता है, जिसके वजह से यह क्या होता है बेंड होने की मतलब इसेंट्रिक होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जैकिंग ऑयल का जैकिंग पंप का यूज करते हैं। तो जैकिंग पंप कब हम लोग चलाते हैं कब क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जहां पे जेओपी पंप होता है छोटे छोटे प्लांट में तो नहीं होता है, या जो बड़े प्लांट होता है जैसे 50-60 मेगावाट का प्लांट होता है जहां पे हेवी इसका वेट होगा वहीं पे इसका यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है इसका डिस्चार्ज प्रेशर हमारा इधर चला गया। तो देखिए इसका जो इंटरलॉक होता है वो हम लोग जब भी अगर आपको टर्बाइन को जैसे बंद हो टर्बाइन हमारा बंद है उसमें अगर आपको चालू करना है तो पहले आप एओपी या एमओपी कोई भी अगर एमओपी आपका इलेक्ट्रिक ड्रिवन है तो आपको एमओपी भी चालू कर सकते हैं या एओपी चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इधर मैकेनिकली ड्रिवन होगा तो आपको एमओपी तो चालू नहीं कर सकते क्योंकि यह जब चालू होगा तभी होगा। तो एओपी आप मान लीजिए चालू किए उसके बाद आप क्या करेंगे इसको जेओपी को चालू करेंगे, जेओपी चालू करेंगे तो जेओपी हमारा एक तो एओपी का जो डिस्चार्ज है यहां से भी उस सक्शन ले सकता है, अगर मान लीजिए ये वाला सक्शन नहीं लेना तो यहाँ पे वाल्व बंद कर देंगे तो हमारा सक्शन जो है यहाँ से लेगा और यह जो डिजायर्ड प्रेशर है यहाँ पे बेयरिंग में देगा और बेयरिंग को शाफ्ट को क्या करेगा थोड़ा सा लिफ्ट कर देगा, जिससे हमारा शाफ्ट जो है वो बेंड नहीं होगा, स्टैटिक लोड हमारा बेयरिंग पे नहीं आएगा और हमारा थोड़ा सा लिफ्ट अप रहता है। तो मेन इसका काम होता है कि लिफ्ट करना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शाफ्ट हमारा क्या होगा बेंड होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है ड्यू टू हैवी वेट।
तो देखिए जब हमारा जेकिंग ऑयल पंप चालू करेंगे उसके बाद हमारा एओपी चालू होना चाहिए, जेओपी चालू होना तभी हम बारिंग एयर को लाइन में लेंगे रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग कंडीशन के बारे में। तो यह जेकिंग ऑयल अगर मान लीजिए हमारा बैरिंग एयर आ गया, हम लाइन में स्टीम को क्या करें, हम लोग इसको रोलिंग स्टार्ट कर देते, जब रोलिंग होता है तो जब इसका आरपीएम जो है रेटेड आरपीएम का 10% जब आ जाता है तो हमारा जेकिंग ऑयल पंप बंद हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर 6000 है इसका रेटेड आरपीएम, मान लीजिए ज़ूम कर लिए टरबाइन का रेटेड आरपीएम कितना है 6000 है, तो जब इसका 600 आरपीएम आएगा टरबाइन का रोलिंग के समय, तो उस समय हमारा जेओपी क्या है बंद हो जाएगा। और एक कंडीशन और मान लीजिए कि हमारा टरबाइन चल रहा है और अचानक ट्रिप हो गया, जब उसका आरपीएम रेटेड आरपीएम का 10% आ गया उस कंडीशन में यह ऑटो में हमारा क्या होता है जीओपी चालू हो जाता है, क्योंकि हमारा यह दोनों पंप तो कोई ना कोई चालू ही रहेगा, जीओपी चालू हो जाएगा उसके बाद हम जो भी है बारिंग एयर लाइन में ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा जीओपी का फंक्शन, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।